नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आप देख रहे हो एसएस क्रिक फैंटेसी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मैच से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की पूरा कोशिश करूंगा, जिसकी मदद से आप एक बेहतरीन फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होंगे। आफ्टर टॉस, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, कुछ फर्दर अपडेट, ये सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता हूँ। इसके अलावा स्मॉल लीग का टीम एंड कौन सा प्लेयर आज आपका ट्रंप पिक हो सकता है, ये सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता हूँ। इसीलिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लिंक के थ्रू हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल पर मैं हर रोज़ इंपॉर्टेंट मैच को डिटेल्स एनालाइज करके कवर करता हूँ और स्टैटिकली एंड लॉजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ, जिसके मदद से आप ना से स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसीलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। शुरुआत करते हैं जिम्बाब्वे ए और पाकिस्तान साइंस के बीच में सिक्स यानी कि इस सीरीज़ का आखिरी ओडीआई मैच प्रेडिक्शन, जो खेला जाने वाला है 27th में 12:45 पर। कहाँ पर? ताकासिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे, जिम्बाब्वे पर। आप देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। पिछले कुछ मैच का स्कोर कार्ड देख के आपको पिच के बारे में लगभग समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो पिच यूज़ होता है ना, वो जनरली बैलेंस विकेट यूज़ होता है, जो बैट्समैन, पेसर और स्पिनर सभी के लिए इक्वल सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन लास्ट दो मैच से ठीक ठाक रन यहाँ पर देखने को मिला था। आप देख सकते हो तो लास्ट मैच यानी कि कल जो मैच खेला गया था, उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 314 रन मार दिया था और जिम्बाब्वे ने वो रन चेज नहीं कर पाया। फिर से पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 295 किया था और जिम्बाब्वे ने वो रन चेज कर दिया था, वो भी बहुत ही आसानी से। मतलब ये जो दो पिच यूज़ हुआ था ना, ये बहुत ही मतलब बैटिंग ट्रैक यूज़ हुआ था, लेकिन ये दो मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट बैलेंस विकेट यूज़ हुआ था, जहाँ पर बैट्समैन और खास करके पेसर को ज़्यादा एडवांटेज मिला था। मतलब कुल मिला के आप यहाँ पर एक डिसेंट विकेट मान के चल सकते हो। और इस सीरीज से पहले इस स्टेडियम के ऊपर कुछ मैच का ये स्कोर कार्ड है, अगर आप चाहते हो देख सकते हो। और जिम्बाब्वे नेदरलैंड्स के बीच में जो सीरीज़ खेला गया था, उस सीरीज़ का ये मतलब कुछ स्कोर कार्ड है, अगर आप चाहते हो देख सकते हो। आप देख लेते हैं जिम्बाब्वे की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद रिसेंट फॉर्म। इनोसेंट काई के साथ आपको मारुमानी को ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा। पिछले मैच में इनोसेंट काई ओपन किया था, इनोसेंट काई के जगह गाम्बी को भी आपको ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकता है। गाम्बी ने पिछले मैच में मतलब उससे पिछले मैच में सेंचुरी मार दिया था, आप देख सकते हो। और इसके जगह इनोसेंट काई भी आ सकता है। मारुमानी का ये रिसेंट फॉर्म है, आप देख सकते हो कुछ सही नहीं है। वसली माधवरी का भी रिसेंट फॉर्म कुछ सही नहीं चल रहा है, आप देख सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, सिर्फ एक मैच में 41 किया था, लेकिन उसको छोड़ के कुछ खास नहीं कर पाया। सेंट विलियम्स ठीक ठाक आपको स्कोरिंग करते हुए दे सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग पिछले मैच में फ्लॉप हो गया था, लेकिन पिछले मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से कहीं ना कहीं से ठीक ठाक स्कोरिंग करके ही दिया। सिकंदर राजा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। सिकंदर राजा का ये T20 का मतलब जो IPL हुआ था, IPL का ये रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। और आप सभी लोग जानते हो सिकंदर राजा किस टाइप का प्लेयर है। नंबर 6 पर आपको सुम्बा को देखने को मिल जाएगा। सुम्बा का ये रिसेंट फॉर्म है, आप देख सकते हो, ये T20 का फॉर्म है, ये फर्स्ट क्लास का फॉर्म है। और ये पिछले दो मैच खेला, दो मैच का ये स्कोर कार्ड है, कुछ खास नहीं है। मारांडे को आपको देखने को मिल जाएगा नंबर 7 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। बैटिंग से कंसिस्टेंसी आपको स्कोरिंग तक करते हुए दे सकता है और विकेट कीपर सेक्शन से भी आपको कुछ कैचिंग और स्टंपिंग वगैरह से पॉइंट देने वाला है। कुल मिला के मारांडे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है और पिछले मैच में भी 41 किया था, वो भी नॉट आउट था। उसके बाद ब्रैंडन मबूता को आपको देखने को मिल जाएगा, आप ग्रैंड लीग में इसको पिक कर सकते हो। ये कुछ मैच का ये रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो, ये ODI का रिकॉर्ड है, ये टेस्ट मैच का रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, ये T20 का रिकॉर्ड है और ये पिछले मैच में 3 रन के साथ 2 विकेट चटका गया था। ब्रैड इवेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, पिछले मैच में विकेट लेस गया था, लेकिन ये अक्सर विकेट लेस नहीं जाता है और हर मैच में एक आधा विकेट चटका लेता है, आप देख सकते हो। नागरबा पिछले मैच में विकेट लेस गया था। लुक जोंगो अगर खेलता है तो उसका भी रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो, ये पिछले मैच में 1 विकेट चटका गया था और ये उससे पहले ये ODI का फॉर्म है, मतलब वन डे डोमेस्टिक का फॉर्म है और ये टेस्ट मैच का फॉर्म है। ओपनिंग बॉलर की बात करें तो ब्रैड इवेंस के साथ आपको जंगू को ओपनिंग मतलब पावरफुल में बॉलिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा। डेथ में जंगू के साथ नगरभा और ब्रैड इवेंस भी डाल सकता है। बेंच पर कुछ प्लेयर है, अगर खेलते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हो। रियान बुल अगर खेलते हैं तो मास्टर पिक होने वाला, ये गाम्बी का रिकॉर्ड है। फारज अक्रम अगर खेलते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हो। और मजा कब्जा और ब्लेसिंग मजरावानी, ये दोनों अगर खेलते हैं तो मास्टर पिक होने वाला है। वेलिंगटन मजा कब्जा का ये रिसेंट फॉर्म है, आप देख सकते हो, इन फॉर्म बॉलर है, हर मैच में ही विकेट चटकाता है। और ब्लेसिंग मजरावानी,
इसके बारे में मैं आपको क्या ही बोलूँ, विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर ये दोनों खेलते हैं तो मास्टरपीस होने वाला है। मुझे लगता है इस मैच पे ये दोनों खेलने वाला है। आप देख लेते हैं पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद रिसेंट फॉर्म। इमरान भट्ट के साथ आपको हसीबुल्ला को ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा। इमरान भट्ट अक्सर ओडीआई फॉर्मेट में ठीक ठाक खेल लेता है। ये लिस्ट ए का रिकॉर्ड है आप देख सकते हो, और पिछले ये सीरीज़ का ये परफॉर्मेंस है, तीन मैच खेला, तीन मैच में एक मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट दो मैच में ठीक ठाक स्कोरिंग किया। हसीबुल्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, कंसिस्टेंसी स्कोरिंग करते हुए आपको दे सकता है। एक मैच में फ्लॉप हो गया लेकिन एक मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में अच्छा खासा स्कोरिंग किया। और डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देख लीजिए, लिस्ट ए में 24 मैच में 50 की एवरेज है, मतलब ठीक ठाक आपको स्कोरिंग करते हुए देने वाला है। और विकेट कीपर सेक्शन से भी आपको कुछ पॉइंट देने वाला है। कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है हसीबुल्ला। नंबर तीन पर आपको ओमर यूसुफ को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक सेंचुरी है, पिछले मैच में 89 किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। रोहिल नजीर का फॉर्म कुछ सही नहीं चल रहा है। उसके बाद नंबर पाँच पर आपको कमरान गुलाम को देखने को मिल जाएगा। ये बैटिंग के साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है और बॉलिंग से भी एक आधा विकेट चटका सकता है। हुसैन तलत का रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेकार चल रहा है, इस सीरीज़ में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और इस सीरीज़ से पहले ये PSL का फॉर्म है आप देख सकते हो। कासिम अकरम का रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है आप देख सकते हो। इस सीरीज़ में तीनों मैच खेला, एक मैच में कुछ खास नहीं कर पाया लेकिन दो मैच में अच्छा खासा मतलब बॉलिंग से विकेट चटका और बैटिंग से भी यहाँ पर 57 रन किया था और मैन ऑफ द मैच हुआ था इस मैच में। आमिर जमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, विकेट टेकिंग बॉलर है, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाता है आप देख सकते हो इस सीरीज़ में इसका प्रदर्शन। उसके बाद मुमताज, ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में ये भी विकेट चटका लेता है। अगर आप चाहते हो मुमताज को पिक कर सकते हो, लेकिन ये जो पिच है ना ये पेशार के लिए थोड़ा एडवांटेज रहने वाला है और उसको देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मुमताज को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आप हर एक प्लेयर को तो नहीं पिक कर सकते हो, किसी ना किसी को तो आपको ड्रॉप करना ही होगा। मोहम्मद अली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खास करके पाकिस्तान की टीम अगर पहले बॉलिंग करे उस कंडीशन में। शाहनवाज धनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, विकेट टेकिंग बॉलर है, इसका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, ये इस सीरीज़ का फॉर्म है, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में अच्छा खासा विकेट चटकाया। ओपनिंग बॉलर की बात करें तो शाहनवाज धनी के साथ आपको मोहम्मद अली को देखने को मिल जाएगा। डेथ मैच शाहनवाज धनी के साथ मोहम्मद अली और आमिर जमाल भी आ सकता है। बेंच पर कुछ प्लेयर है अगर खेलते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हो। मुबासिर खान अगर खेलते हैं तो मास्टर पिक होने वाला है, और अगर मीर हमजा खेलते हैं तो उसका भी ये रिकॉर्ड है आप देख सकते हो। आप देख लेते हैं फैंटेसी टीम, विकेट कीपर सेक्शन से आपको हसीबुल्ला को देखने को मिल जाएगा, मादान देखो देखने को मिल जाएगा। इन दोनों को ही आप पिक कर लेना, क्योंकि ये दोनों कंसिस्टेंसी आपको बैटिंग से तो स्कोरिंग करके देने ही वाला है और विकेट कीपर सेक्शन से भी आपको कुछ पॉइंट देने वाला है। कुल मिला के ये दोनों मास्टर पिक होने वाले हैं। गंभीर अगर खेलते हैं तो इसको आप ग्रैंडलिंग में पिक कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन से यूसुफ इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। एरविंस अगर खेलते हैं तो एरविंस को आप पिक कर सकते हो। हुरैरा को आप ग्रैंडलिंग में पिक करना। इमरान भट्ट को आप पिक कर सकते हो, क्योंकि इमरान भट्ट अक्सर ODI फॉर्मेट में ठीक ठाक खेल लेता है। उसको देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इमरान भट्ट के साथ जा सकते हो। रियान बुल अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। कामरान गुलाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आपको कोई योगदान दे सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से शेन विलियम्स, सिकंदर राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। हुसैन तलत अभी तक बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, और माधवेरा ये भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया इस सीरीज़ में। बॉलिंग से तो बुरी तरीके से फ्लॉप, और बैटिंग से एक मैच को छोड़ के कुछ खास नहीं कर पाया। कासिम अकरम इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से अगर मुजरावानी खेलता है तो मास्टर पिक होने वाला है। अगर वेलिंगटन मजागजा खेलता है तो आंख बांध करके इसको पिक कर लेना। शाहनवाज धनी बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। आमिर जमाल बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। मुजरावानी और मजागजा अगर खेलता है तो इन दोनों का आप पिक कर लेना। उस कंडीशन में अब कामरान गुलाम और इमरान भट्ट में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। कामरान गुलाम और इमरान भट्ट में से किसी एक को ड्रॉप करते हुए इन दोनों मतलब मुजरावानी और मजागजा को पिक कर सकते हो। फिलहाल मैं ब्रैड इवेंस के साथ जा रहा हूँ। आप देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो आप शेन विलियम्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। आप सिकंदर राजा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। आप शाहनवाज धनी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, और आमिर जमाल को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।